हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, इसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम बिल्कुल अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने पोल्यूशन पढ़ा, सभी टाइप के पढ़े, मेनली वो सब के अंदर थे, मतलब जितने भी हमने पढ़े जैसे सब के अंदर क्या, जैसे जल में था, वायु में था, ताप में था, ध्वनि में था, वो सारे किसके अंदर हैं, वो पर्यावरण के अंदर। तो उसी पर्यावरण से रिलेटेड हम अब आगे चीज़ें पढ़ेंगे कि उस पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कि उस पार्ट को साइंस किस नज़रिए से देखता है, साइंस में हम उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर उसकी प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम मेनली जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो जीव जो है उनसे प्रभावित होता है, वो जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जीव को कैसे प्रभावित करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी। क्या पढ़ेंगे आज हम, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं, जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती है उसके अनुसार कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अंदर उसके अनुसार कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस वर्ड की ही बात कर लेते हैं हम कि ये जो वर्ड हमने बोला है, ये इकोलॉजी बोला है, ये कहाँ का वर्ड है, कैसे आया, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, किसको हमने बोला कि ये चीज़ पारिस्थिति के अंदर आती है, इसकी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, सबसे पहले ये वर्ड है, दो वर्ड हैं इसके अंदर, इको और लॉजी। इसका जो फॉर्मेशन है वो किस वर्ड से हुआ है, वो हुआ है एक ग्रीक भाषा के वर्ड, कौन से, ग्रीक भाषा के शब्द कौन से, ओइकोस। ठीक है, और यहां लोगोस, इनसे इन वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जिनका मीनिंग क्या होता है, हम बोल रहे हैं इकोलॉजी परिस्थिति की, क्या होते है? एक वर्ड अगर इसको हम दो भागों में तोड़े, हिंदी वाले वर्ड को, पारिस्थिति की मतलब जो चारों तरफ का जो कंडीशन है जिसके अंदर जो भी जीव रहते हैं, जो जैसे पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, कोई भी जीव रह रहे हैं, वो वातावरण के साथ कैसे कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, वातावरण उनको कैसे प्रभावित कर रहा है और वो उससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, वो चीज़ें पारिस्थिति के अंदर आती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पारिस्थिति की। इस वर्ड का पूरी तरह से मीनिंग देखें हम तो ये होता है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, ये वर्ड नहीं, अगर आपसे किसी भी वर्ड की डेफिनेशन पूछ जाते हैं, कोई भी परिभाषा से पूछी जाती है, तो सबसे पहले आप उस वर्ड का मीनिंग समझो कि वो वर्ड कहना क्या चाह रहा है, तो आप उसे सीधे उसकी परिभाषा दे सकते हो। एक वर्ड हम लेते हैं पर्यावरण, तो हम ये चीज़ तो हम 3rd 4th क्लास से कि पर्यावरण, परि प्लस आवरण, ये चीज़ पढ़ते आते हैं, तो उसका वर्ड में उसका परिभाषा छुपी है, परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों तरफ और आवरण मतलब घेरने वाला, ऐसा कवच जो हमें चारों तरफ से घेरता है, और परिस्थिति की ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियाँ वातावरण की जो हमारे चारों तरफ उपस्थित होती हैं, उसके अंदर जीव होते हैं, जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं, वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं उनसे, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, वो किसके अंदर आती हैं, वो परिस्थिति के अंदर आती हैं। अब ये वर्ड है तो ऑइकोस है, दूसरा है लोगोस। इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर इन शब्दों का मीनिंग हम देखें तो इनका अर्थ क्या होता है, पहला वर्ड हमने बोला ऑइकोस, इसका क्या अर्थ होता है, रहने का स्थान, इसका मतलब होता है रहने का स्थान। और लोगोस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है अध्ययन करना। ठीक है, इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। तो जब इन शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए तो परिभाषा आप खुद लगा सकते हैं।
रहने का स्थान उसका अध्ययन करना, किसका अध्ययन करना, परिस्थिति में कौन प्रेजेंट है, एक वर्ड वही जो बार बार यूज लेते हैं जीव, जीव के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। घटक हम इसके घटक होते हैं जैविक हैं, अजैविक हैं, सारी चीजें आ गई, ताप दाब आदता वो किसमें है, वो अजैविक है। जैविक में कौन आते हैं, जीव आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, इंसान आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जीवाणु, वो सब चीजें किसके अंदर है, वो जैविक में है। और अजैविक के अंदर जिसके अंदर जानी है ताप दाब आर्द्रता नमी वो चीज घनत्व वो किसके अंदर है, वो अजैविक के अंदर आते हैं। तो वो सब चीजें हैं, उनका अध्ययन करना, उन जीवों का अध्ययन करना जहां पे वो रह रहे हैं, उस एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके परिभाषा में आप क्या कह दे सकते हैं कि जो जीव होते हैं सभी जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना या फिर जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं या फिर उसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। हम क्या बता सकते हैं इसकी परिभाषा में, इसी वर्ड से किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सभी जीवों के रहने का स्थान, सभी जीवों के रहने के स्थान के बारे में पढ़ना, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, रहने का स्थान वहां पे जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं ना, जिस पर्यावरण में, जिस एनवायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वो किसके अंदर आता है, उस पारिस्थितिकी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। और तब उसके उन जीवों के बारे में हमने पढ़ना है कि वो जीव किस तरीके से उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजी है। इकोलॉजी के बारे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध विद्वान हेकल, हेकल ने इकोलॉजी के बारे में क्या कहा, इन्होंने इकोलॉजी के बारे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि सभी जो जीव होते हैं, सजीव एक वर्ड होता है, सजीव मतलब जिसके अंदर जान होती है, दूसरा वर्ड होता है निर्जीव मतलब जान से रहित, जिसके अंदर मोशन नहीं होता, जिसके अंदर गति नहीं होती, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती है, वो निर्जीव में आता है। सजीव जो सजीव मतलब जिसके अंदर जान होती है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, हर क्रिया कर सकता है, एक स्थान से दूसरे पे जा सकता है, सारी प्रोसेस होती है, वो सजीव। तो वो सजीव और क्या उनकी एक्टिविटीज, किसने बताया, हेकल ने बताया। हेकल ने क्या बताया कि जो सजीव सजीव होते हैं वो और एनवायरमेंट के अंदर क्या आते हैं, उसके घटक आते हैं। पर्यावरण के अंदर क्या उपस्थित हैं, सजीव भी पाए जाते हैं। और पर्यावरण के घटक जो हमने पढ़े हैं उसके घटक कौन कौन से होते हैं, इसके घटक होते हैं सजीव और निर्जीव। और ये बात हम सब जानते हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों जो घटक होते हैं उनके बीच में आपस में क्रिया होती है तभी वो जिंदा रह पाते हैं। हमारे अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रिया होती है, हमें क्या जरूरत होती है, हमें एनवायरमेंट की जो कंडीशन उसमें भी कौन सा अजैविक घटक जो होते हैं उनकी जरूरत होती है तब हमारी आवश्यकता पूरी हो पाती है। एनवायरमेंट जो है उसके अंदर क्या पेड़ पौधे उपस्थित हैं, वो पेड़ पौधे कब जिंदा रहेंगे, जब इंसान जिंदा रहेगा, क्योंकि जब वो उनकी देखभाल करेगा एक से दूसरा पेड़, तभी तो जाके एक पेड़ है वो, अगर एक पेड़ हमने लगाया उससे क्या बहुत सारे बीज बनेंगे, तो वो इसलिए जरूरी है। इसी कारण से जीव भी, पेड़ पौधे, इंसान सब एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो वो किसके अंदर है, वो इकोलॉजी के अंदर रखते हैं, सजीव है। इसके अलावा जैविक घटक है, अजैविक घटक है, उनका किसके साथ रिलेशन, उनका एनवायरनमेंट के साथ, उनका पर्यावरण के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेकल के अनुसार क्या डेफिनेशन दे सकते हैं हम, सजीव। क्रिया किसके साथ करेंगे, ये क्रिया करेंगे जो एनवायरनमेंट के अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके घटक जो होते हैं कौन कौन से, जैविक और अजैविक, उनके साथ क्या करेंगे, ये क्रिया करेंगे। तो इसके अंदर सजीव और जैविक मतलब बायोटिक और एबायोटिक और अजैविक, उन घटकों के बीच में इनका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, उन सभी का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध,
वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, वो पारिस्थितिकी कहलाता है, वो इकोलॉजी कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या चारों तरफ जीव है, उनके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं, हम किस तरीके से पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं, पादप हमारे ऊपर किस तरीके से निर्भर करते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है एक, उसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है वो क्या होती है, वो इकोलॉजी होती है, वो पारिस्थितिकी होती है, ये हेकल ने बताया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हेकल के अनुसार की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है क्या, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के अंदर कौन सी चीजें जो हम यूज नहीं लेते, हर एक चीज जो है वो हम यूज लेते हैं। ये तो इनके बीच का वाला सजीव घटक है, मतलब सजीव है, जैविक है, अजैविक है, उन सबका रिलेशनशिप किस में आता है, वो इकोलॉजी में आता है। तो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। ये तो इकोलॉजी हो गया कि ये एक इकोलॉजी वर्ड हम बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी वर्ड जो हम बोल रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये एक वर्ड हो गया पारिस्थितिकी, इससे कितने वर्ड जुड़े हुए हैं, ये सारे वर्ड इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हम क्या देंगे वो इसी वर्ड से निकालनी है हमें। हमने यहाँ पे क्या बोला, सजीव बोला, जैविक बोला, अजैविक बोला, इन सभी की जगह अगर एक वर्ड में यूज लू क्या, एनवायरमेंट, पर्यावरण, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। ये सब क्या है, पर्यावरण के तो घटक हैं, कोई बायोटिक है, एबायोटिक है, तो सजीव किसके अंदर आ गए, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं जो एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, और उसका अध्ययन किया जाता है, उनके बीच में इंटरेक्शंस का, वो क्या होता है, वो इकोलॉजी होता है। क्योंकि सभी जीव क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, पर्यावरण के साथ इनका संबंध क्या होता है, वो इकोलॉजी होता है। तो मतलब ये घटक सजीव है वो जैविक को कैसे प्रभावित कर रहा है, जैविक अजैविक को, अजैविक इन दोनों को, वो रिलेशनशिप किसका है, वो पारिस्थितिकी का है, एनवायरनमेंट का है, क्योंकि हर एक चीज हमें कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। जिंदा रहने के लिए, हर एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। बारिश हो रही है, कहाँ से हो रही है, पर्यावरण के अंदर परिस्थितियाँ उस पेड़ों के कारण हो रही है। तो हर एक जो चीज़ होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। हम अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हम पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, हम उन पे निर्भर करते हैं। तो वो चीज़ क्या है, वो पारिस्थितिकी है कि हम उसके ऊपर निर्भर हैं, हमारे बीच में जो इंटरेक्शंस हैं पौधों के बीच में, जीवों के बीच में, वो सब क्या है, वो पारिस्थितिकी है, वो इकोसिस्टम है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई कि उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। अब हमने बोला कि पर्यावरण के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं एनवायरनमेंट से, अगर हम उन पदार्थों की बात करें, पर्यावरण से प्राप्त पदार्थ क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट, तो क्या ऑक्सीजन, और कौन सी चीज़ें जो हम नहीं लेते, हर एक चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, वो सभी चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलती है, वो किसके अंदर आ रहा है, और पारिस्थितिकी के अंदर आ रहा है। हम जिंदा रहने के लिए क्या करें, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, उनको CO2 चाहिए भोजन बनाने के लिए, उनको जल क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, इसके अलावा उनको मिनरल्स चाहिए। ये सारी कंडीशन किसके अंदर है, ये उस पारिस्थितिकी के कारण प्रभावित होती है। ये चीज़ें हम पारिस्थितिकी के अंदर रखते हैं कि कोई भी जीव है वो दूसरे जो जीव हैं उनसे कैसे चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसके अंदर की जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, हम किसको बोलते हैं, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई कि हम किसको बोलेंगे। अब बात आती है जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो उसका आंसर आएगा लीवर। पित्ताशय जो बोलते हैं हम, उस पित्ताशय के अंदर निर्माण नहीं होता है, नाम क्या है, पित्त रस। तो जनरली सभी से साइड जाते हैं पित्ताशय की तरफ, लेकिन आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं अब ये चीज दूर कर दूं कि पित्ताशय के अंदर ये इकट्ठा होता है, क्योंकि ये वर्ड देखिए आश्य, पीत प्लस में आश्य,
इसका मीनिंग क्या है, मतलब ऐसा आशय जिसके अंदर क्या इकट्ठा हो, पित्त इकट्ठा हो, जो बाइल जूस होता है वो इकट्ठा हो, ठीक है। फॉर्मेशन किस में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, और इकट्ठा किस में हो रहा है, पित्ताशय में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना है कि पित्त का जो फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होता है, वो लीवर के अंदर होता है। अब बात आती है कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या होगा, बॉडी के अंदर काम हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, उस डाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जो जूस होते हैं, रस जिनको हम बोलते हैं, वो सिक्रेट किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो आमाशय होता है, स्टमक जो होता है, उस स्टमक के अंदर कौन सा जूस सिक्रेट किया जाता है, किसके अंदर बताना है, जो स्टमक होता है, आमाशय जो होता है उसके द्वारा श्रावित रस, अगर साइंस की लैंग्वेज में बोले तो उसके द्वारा श्रावित रस कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।